हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही इंक्लूड किया गया है, लेकिन हम लोग गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को अलग से पढ़ेंगे और फिर अगले क्लास से हम लोग लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। न्यूटन के जो तीन लॉज हैं उन तीनों लॉज को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आज गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट हम लोग न्यूटन के लॉज से पहले इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी स्टोरी ऐसा बच्चों कि न्यूटन से पहले गैलीलियो थे और जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई उसी साल न्यूटन वॉज बॉर्न। तो न्यूटन जब 15-16 साल के हुए तब गैलीलियो के लिखी हुई बुक्स जिसमें गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और अपने फिजिक्स के जर्नी के बारे में लिखा था, उस बुक को जब गैलीलियो ने न्यूटन ने जब पढ़ा जब वो 15-16 साल के हुए तब उन्होंने जब गैलीलियो के लिखी हुई बुक्स को पढ़ा, उनके एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने जब पढ़ा तो न्यूटन बहुत इंस्पायर हुए गैलीलियो से और गैलीलियो के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को आधार बनाते हुए उसको बेस बनाते हुए न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, जो कि कहीं ना कहीं गैलीलियो के किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। और उसके बाद उन्होंने तीन लॉज दिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हम लोग गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, उनके कंक्लूजन्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद न्यूटन के लॉज को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, गैलीलियो ने बेसिकली बच्चों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट में से दो एक्सपेरिमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा आज। वो दो बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को जरा हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था गैलीलियो का, जो पहला एक्सपेरिमेंट था उनका, पहला एक्सपेरिमेंट था एक्सपेरिमेंट ऑन सिंगल इंक्लाइन प्लेन, एक्सपेरिमेंट ऑन सिंगल इंक्लाइन प्लेन। कैसा एक्सपेरिमेंट था? एक्सपेरिमेंट ऑन सिंगल इंक्लाइन प्लेन। क्या था भाई इस एक्सपेरिमेंट में? इंक्लाइन प्लेन मतलब बच्चों आप लोग बचपन में पार्क में जाते थे और एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन होता था उसके ऊपर बैठते थे और फिर नीचे की तरफ स्लाइड कर जाते थे, है ना, स्लाइडर कहते थे उसको। तो ये एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस सिंगल इंक्लाइन प्लेन पर गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि अगर इस सिंगल इंक्लाइन प्लेन के टॉप के ऊपर एक बॉल को अगर हम रखते हैं, आप पार्क में जाइए एक बॉल को लेकर, और जो सिंगल इंक्लाइन जो इंक्लाइन प्लेन था उस इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर पहले तो आप खुद फिसलते थे, अब उस बॉल को ले जाकर रखिए और बॉल को ले जाकर रखने पर आप अगर उसको रिलीज कर देते, छोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि बॉल जो है इट मूव्स टुवर्ड्स दी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, कुछ स्पीड से बॉल आपके नीचे की तरफ मूव करेगी और जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेगी इसकी स्पीड जो है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि एक सिंगल इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर अगर हम किसी बॉल को रिलीज करते हैं देन इट मूव्स डाउनवर्ड, थ्रो नहीं कर रहे हैं, बस ले जाकर छोड़ दिया, तो इट विल मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करने के दौरान उसकी जो स्पीड है दैट स्पीड इंक्रीजेस, यानी कि यहां पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस है। कैसा केस है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। उसके बाद गैलीलियो ने क्या किया कि इसी इंक्लाइन प्लेन पर बच्चों गैलीलियो ने उस बॉल को नीचे की तरफ रखा और फिर कुछ धक्का लगाकर कुछ उसे पुश करके ऊपर की तरफ उन्होंने रिलीज किया। यहां पर तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, यहां पर इस तरीके से उन्होंने धक्का दिया उसको, तब क्या होगा, द बॉल विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ मूव करने के दौरान गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि ऊपर की तरफ जब ये मूव कर रहा है तब उस दौरान इस बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ये स्लो डाउन होता है और स्लो डाउन होते होते कहीं ना कहीं पहुंचकर ये बॉल जो है वो कुछ समय के लिए रेस्ट पर आएगा और देन अगेन इट विल मूव डाउनवर्ड। यानी इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे से ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है,
यानी ये कौन सा केस हो गया, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। इस तरीके से गैलीलियो ने इस इंक्लाइन प्लेन पर कई दफा कई बार बॉल को ऊपर से रिलीज किया, नीचे से ऊपर की तरफ भेजा। हर बार उन्होंने देखा कि सिंगल इंक्लाइन पर जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ भेजते हैं तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और नीचे से ऊपर की तरफ भेजते तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अब आप दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पर डिक्रीज हो रही है। यहां पर इंक्रीज है इसलिए चेंज है, यहां पर डिक्रीज है इसलिए चेंज है, यानी ये दोनों केस जो है वो चेंज इन वेलोसिटी का केस है। क्या किसी और तरीके से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं? या तो इंक्रीज कर सकते हैं तो डिक्रीज कर सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। चलिए, अभी तक जो दो चीजें गैलीलियो ने देखी वो ये कि अगर हम सिंगल इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को भेजेंगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, नीचे से ऊपर की तरफ भेजेंगे वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी दोनों केस में वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, फिर गैलीलियो ने कहा, ये गैलीलियो का कंक्लूजन था या ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि मान लो कि इस इंक्लाइन प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल रख देते हैं, ठीक है, इसे बिल्कुल लिटा देते हैं, और अब हम एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को यहां पर प्लेस करके और कुछ वेलोसिटी इसे प्रोवाइड करें, धक्का दें, तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं, यानी हर जगह लेवल सेम है ना, यानी कि बॉल को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऊपर से नीचे जाने का मौका तो नहीं मिल रहा है, यानी यहां पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर लेवल सेम है इसलिए नीचे से ऊपर भी नहीं जा सकता है, यानी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज भी नहीं हो सकती, यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी। होगा ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन पर देखिए, ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर भी है, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। जब ये केस पॉसिबल नहीं है यहां, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी ना, नाइदर इंक्रीजिंग, ये केस भी पॉसिबल नहीं है इसलिए वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही। अच्छा, ना तो इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यही मतलब हो गया ना कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अच्छा, वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है ना बच्चों, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट कब मूव करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी में के साथ ऑब्जेक्ट तब मूव करता है जब वो एक यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड नहीं चेंज हो रही है और स्ट्रेट लाइन यानी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो यानी कि गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव करेगा तब ना तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना ही उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का केस है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी यू है तो यहां पहुंचने के बाद भी इसकी वेलोसिटी यू ही होनी चाहिए, गलत तो नहीं कह रहा भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो यहां पर भी इसी डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से मूव करेगा। अच्छा, यहां पहुंचने के बाद भी यही वेलोसिटी रहनी चाहिए इसकी यू, यहां पहुंचने के बाद भी इसकी यही वेलोसिटी रहनी चाहिए यू, यानी इंफिनिटी तक पहुंचते पहुंचते इस ऑब्जेक्ट की का डायरेक्शन भी यही होना चाहिए और वेलोसिटी भी यही होनी चाहिए, तभी तो कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो रही इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब अगर इसके ऊपर आप मूव करेंगे बच्चों तो देखिए, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक ऑब्जेक्ट रुका ही नहीं है, है ना, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन में ही है,
क्लियर है ये बात। लेकिन तो यहां से गैलीलियो ने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, हम देख रहे थे बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट को इसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तब ये मोशन में ही रहेगा ना, रुकेगा नहीं तो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करता है तो ये जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों कॉन्टैक्ट में है। जब भी कॉन्टैक्ट होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अराइज करता है। फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करना, ऑब्जेक्ट को रोक देना। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, राइट? तो मोशन में था, मोशन से रेस्ट पर ऑब्जेक्ट कब आ रहा? जब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता, कोई फोर्स नहीं लगता तो ऑब्जेक्ट मोशन में होता तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में ही रहता ना। यानी गैलीलियो ने यहां से कहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर फोर्स नहीं लगता है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वैसे ही जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहेगा अगर फोर्स नहीं लगेगा तो। आपको अगर इसे रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो दो चीजें समझिए, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहता है। अगर आपको रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाना है तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ये पहला एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो का, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक गैलीलियो का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग गैलीलियो के सेकेंड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारा है एक्सपेरिमेंट ऑन डबल इंक्लाइन प्लेन, यानी जैसे सिंगल इंक्लाइन प्लेन पर सिर्फ एक ही इंक्लाइन प्लेन था, यहां पर अब दो इंक्लाइन प्लेन होंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये पहला इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको और टिल्ट कर देते हैं। ये देखिए ये पहला इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, फिर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिर ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन। हालांकि आपके बुक में हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं शो कर रखा है लेकिन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो ये आपका पहला इंक्लाइन प्लेन है, ये आपका दूसरा इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर है? अब पहले इंक्लाइन प्लेन कि अगर हम बात करें, पहले इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर गैलीलियो ने एक बॉल को प्लेस किया, मान लीजिए एच हाइट पे, ठीक है? अब देखिए हम जानते हैं कि पहले इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, रिलीज करते हैं टॉप पे, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जब ये दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। पहले केस में गैलीलियो ने इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन को आइडेंटिकल लिया। कैसे लिया? आइडेंटिकल इंक्लाइंड प्लेन। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि अगर ये आपका पूरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से जितना उठा हुआ है दूसरा इंक्लाइंड प्लेन भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही उठा हुआ है, ठीक है? तो दोनों आइडेंटिकल है, इक्वल अमाउंट से उठे हुए हैं। अब पहले इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पर यानी एच हाइट से गैलीलियो ने एक बॉल को रिलीज किया, तब इसकी वेलोसिटी देखिए इंक्रीज 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 यहां तक इंक्रीज होगी, फिर जितनी वेलोसिटी हुई है वही सेम 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 वेलोसिटी यहां तक। अब दूसरे इंक्लाइन पर ऊपर चढ़ते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज 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 डिक्रीज, तो डिक्रीज होते होते कहीं ना कहीं तो बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, यानी वो एक मोमेंट के लिए वहां पर रेस्ट पर आएगा, उससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकता है। गैलीलियो ने देखा कि जब पहले इंक्लाइन प्लेन से एच हाइट ऊपर जब उन्होंने बॉल को रिलीज किया, दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर ये जो बॉल है इट केम टू रेस्ट ओनली आफ्टर रीचिंग द सेम हाइट,
यानी जिस हाइट से बॉल को पहले इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज किया गया दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर, उसी हाइट पर पहुंचने के बाद बॉल रेस्ट पे आती थी। गैलीलियो को लगा कि हो सकता है कि पहला इंक्लाइन प्लेन और दूसरा इंक्लाइन प्लेन दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम एंगल से हॉरिजॉन्टल से उठे हुए हैं, इस वजह से जिस हाइट से बॉल को पहले इंक्लाइन प्लेन पर रिलीज किया गया उसी हाइट तक बॉल पहुंचने के बाद ही रेस्ट पर आती है। तो गैलीलियो ने क्या किया कि दूसरे इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा और झुका दिया हॉरिजॉन्टल की तरफ, और अब फिर से बॉल को उसी हाइट से रिलीज किया। गैलीलियो वाज सरप्राइज टू सी कि अब दूसरे केस में भी बॉल उसी हाइट तक पहुंचने के बाद रेस्ट पे आ रही है, यानी मैक्सिमम हाइट जहां तक बॉल पहुंच रही है वो सेम हाइट है जहां से उसको रिलीज किया गया। गैलीलियो ने और थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इसको, फिर बॉल को यहां से रिलीज किया, ऑब्जर्व किया दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर बॉल फिर से उसी हाइट तक पहुंचती है जिस हाइट से यहां से ड्रॉप किया गया था, और टिल्ट कर दिया उन्होंने इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो उन्हें कम हाइट मिले। फिर से बॉल को रिलीज किया, अब इस इंक्लाइन प्लेन पर फिर से बॉल उसी हाइट पर पहुंचने के बाद रेस्ट पे आती है, और थोड़ा सा टिल्ट कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा चलो अब तो कम से कम कुछ मिले, लेकिन गैलीलियो के सरप्राइज के लिए इस केस में भी बॉल जो है वो सेम हाइट पे पहुंचने के बाद ही रेस्ट पे आती है। यानी समझिए, जब गैलीलियो ने दो इंक्लाइन प्लेन आइडेंटिकल लिया, जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया उसी हाइट पर बॉल पहुंच के रेस्ट पर आ रही है, तो उन्हें लगा कि दोनों प्लेन आइडेंटिकल हैं इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन को बेंड कर दिया। थोड़ा सा बेंड करने पर उन्होंने देखा कि यार फिर से बॉल उसी हाइट पर पहुंच के रेस्ट पर आती है, और बेंड किया फिर से उसी हाइट पर पहुंच के रेस्ट पर आई, और बेंड किया फिर से उसी हाइट पर पहुंच के रेस्ट पर आई, और ऐसे बेंड करते चले गए, और हर बार बॉल जो है वो सेम हाइट पर पहुंच रही है जिस हाइट से पहले इंक्लाइन पर उसे ड्रॉप किया गया है। क्लियर है बात? तो देखिए इस केस में बॉल को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उस हाइट तक पहुंचने के लिए, इस केस में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, इस केस में और ज्यादा डिस्टेंस, इस केस में और भी ज्यादा डिस्टेंस, और इस केस में यहां का सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है बॉल को सेम हाइट तक पहुंचने के लिए। गैलीलियो ने देखा कि बॉल को यह मंजूर है कि उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा लूं, लेकिन उसे रेस्ट पर तभी आना है व्हेन इट इज रीचिंग द सेम हाइट। यानी बॉल का मकसद यही है कि तुम्हें जितना डिस्टेंस मुझे ट्रेवल कराना है दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट आई विल कम एट रेस्ट ओनली आफ्टर रीचिंग द सेम हाइट। यानी बॉल को सिर्फ एक चीज की तलाश है और वो है दूसरे इंक्लाइन प्लेन पर वही हाइट जिसमें पहले इंक्लाइन प्लेन पर हमने जहां से रिलीज किया था। तो गैलीलियो ने कंक्लूड किया कि यार हर एक प्लेन पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन की बात करें, जो बॉल है वो चाहे जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करे लेकिन उसका मकसद है सेम हाइट अचीव करना। तो अगर हम जो दूसरा इंक्लाइन प्लेन है अगर उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, कैसा बना देते हैं? हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल बना देंगे तब क्या होगा? गैलीलियो ने कहा कि भाई यहां से तो बॉल को रिलीज करेंगे, ये बॉल आपकी नीचे की तरफ मूव करेगी, यहां पहुंचने पर मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, अब ये आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है, ट्रैवल करके बॉल कुछ समय के बाद यहां पहुंचेगी, फिर कुछ समय के बाद यहां पहुंचनी चाहिए, ठीक है, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, हाइट इंक्रीज हो रही है ना हाइट डिक्रीज हो रही है, यानी बॉल की वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। बॉल को किस चीज की तलाश है कि भाई मुझे ना इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये हाइट पहुंचवा दो, मुझे कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े ये हाइट अगर मुझे पहुंचवा दे रहे हो जहां से आपने ड्रॉप किया था, देन आई विल कम एट रेस्ट। लेकिन क्या इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये हाइट पॉसिबल है पहुंचना? नहीं है ना। तो व्हेन बॉल विल नॉट रीच एट दिस हाइट, तो चाहे जितना भी डिस्टेंस ये ट्रेवल कर ले, ठीक है, कहीं भी ये मूव कर जाए, हर केस में इसकी वेलोसिटी यही रहनी चाहिए, इट विल नेवर कम एट रेस्ट, इट विल नेवर कम एट रेस्ट। ये इंफिनिटी तक पहुंचने पर इसे सेम हाइट नहीं मिली, सो देयरफॉर इट शुड नेवर कम एट रेस्ट।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बॉल आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट पर आती है क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, वो फोर्स लगता है तब तो ऑब्जेक्ट आपकी मोशन से रेस्ट पर आ जाती है। क्लियर है बात? तो यानी गैलीलियो ने दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा कि यार जब हम बॉल को इस तरीके से ड्रॉप करते हैं और जब ड्रॉप करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मूव कराते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉल की वेलोसिटी जो है वो चेंज होती ही नहीं, बॉल नेवर कम्स एट रेस्ट अगर फोर्स ना लगे तो। अगर फोर्स लग जाए तब की बात अलग है, तब तो फोर्स लगाकर उसको रेस्ट पर ला रहा है, लेकिन अगर फोर्स ना लगे देन द बॉल नेवर कम्स एट रेस्ट। तो यहां से गैलीलियो ने जो फाइनली कंक्लूड किया, दो बातें लिखी उन्होंने, जिसमें जो पहली बात है वो तो गैलीलियो के पहले भी कई लोग कह चुके थे, कई लोग कह चुके थे। गैलीलियो ने क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट इफ फोर्स ऑन इट इज इक्वल्स टू जीरो। ये पहली बात तो गैलीलियो ने नहीं कही, बहुत लोगों ने कही कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है अगर उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। दूसरी बात जो गैलीलियो की थी, जो बिल्कुल नई बात थी, किसी और ने नहीं कही थी, वो गैलीलियो ने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। नहीं, अगर आप लिख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, अगर फोर्स जीरो है तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सिर्फ मोशन लिखने से काम नहीं बनेगा, यूनिफॉर्म मार्क्स कट जाएंगे आपके, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन अगर फोर्स जीरो है तो। ये गैलीलियो की जो बात थी ये नहीं थी, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। यस, ये बहुत लोग कह चुके थे। गैलीलियो ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तब वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। यानी यहां से आप एक चीज नोट कीजिए, बहुत खूबसूरत लाइन है ये, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा अगर फोर्स नहीं लगेगा तो। यानी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, समझ रहे हैं? अगर आपको उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में कभी नहीं आएगा। यानी मोशन अगर आपको लाना है तब जबरदस्ती करनी पड़ेगी, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट चाहता है कि यार मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे ही रहूं, ठीक है, मैं मोशन में ना आऊं। वो अपोज करता है मोशन में आने को, अगर वो अपोज नहीं करता तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, रेस्ट से खुद ब खुद मोशन में आ जाता बिना फोर्स लगे हुए। वो अपोज करता है रेस्ट से मोशन में आने को, इसीलिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहता है, वो रेस्ट पे आना नहीं चाहता है। अगर आप फोर्स नहीं लगाएं कभी रेस्ट पर नहीं आएगा, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी अपोज करता है। वो बोलता है यार मैं यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हूं, इसी तरीके से रहना चाहता हूं, मैं रेस्ट पे नहीं आना चाहता। अगर आपको रेस्ट पे लाना है जबरदस्ती करनी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप समझिए कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट से हटने के लिए अपोज करता है, जो मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन से हटने के लिए अपोज करता है। यानी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस अवस्था में होता है, जिस स्टेट में होता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। रेस्ट में अगर है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही रहना चाहेगा। अगर आपको बदलना है उसके स्टेट को तो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी एक बॉडी के अंदर है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये गैलीलियो ने हमें इंट्रोड्यूस किया था, गैलीलियो ने टर्म इंट्रोड्यूस किया इनर्शिया। इनर्शिया क्या है,
एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, यानी इसको सिखाया नहीं जाता, ये पहले से ही इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, दी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने अंदर किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करता हो, उसे हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी किस वजह से, इनर्शिया किस वजह से है, इट इज ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के मास की वजह से होता है, यानी मास के ऊपर डिपेंड करता है कि इनर्शिया कितना है, यानी कितना अपोज करेगा, ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, उस एग्जांपल से आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए, सपोज करिए कि एक टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। हालांकि इनर्शिया को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, लेकिन समझिए कि इनर्शिया का मतलब है कि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपोज करेगा चेंज को, यानी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहेगा, मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन, इन स्ट्रेट लाइन। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करेंगे एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई, उस बुक का कुछ मास है। ठीक है, मैं दो केस दे रहा हूं, एक कि एक बुक रखी हुई है एक टेबल पे और एक साथ 10 बुकें रखी हुई है टेबल पे, ये दोनों केस। तो जब एक बुक है तो मास कम है, मास कम है तो इनर्शिया कम है, और इनर्शिया कम है तो कम अपोज करेगा, इस वजह से आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। या उसको छोड़ दीजिए, एक बुक अगर है तो मास कम है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। ठीक है, अगर 10 बुक है तो मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। कैसे, देखिए, अगर एक बुक है बच्चों और अगर वो रेस्ट पर है टेबल पे, उसको मोशन में लाने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है ना, क्यों, क्योंकि वो कम अपोज करता है। और जो 10 बुक है उसको अगर आप रेस्ट से मोशन लाना चाहते हैं, हिलाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। यानी एक बुक को देखें, उसका मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया कम है, उसका इनर्शिया कम है यानी कि जो वो अपोज करता है वो कम अपोज करेगा, जब कम अपोज करेगा तो रेस्ट से मोशन लाने के लिए आपको कम फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। भाई, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं और अगर आप कम अपोज कर रहे हैं उठ रहे हैं तो आराम से आपको उठाया जा सकता है, और अगर आप बहुत ज्यादा ताकत लगा के अपोज करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो जब 10 बुक है मास ज्यादा है, या एक बुक है मास कम है, इनर्शिया कम है, इसीलिए रेस्ट से मोशन लाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि कम अपोज कर रहा है। 10 बुक है मास ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो ज्यादा अपोज करेगा, इसीलिए रेस्ट से मोशन लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात, तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी आप थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इसको। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ भी लिख लीजिए, इन सबको भी एक्सप्लेन कर लीजिए कि यहां पर सेम हाइट तक पहुंचता है, यहां ज्यादा डिस्टेंस कवर करके सेम हाइट पर पहुंच रहा है, तो फिर तीसरे के आखिरी केस में क्या कंक्लूजन है, इसको नोट कर लें। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे, नोट कर लें बच्चों।